जो तारीख हमारे पास मौजूद है इसके एतबार से ऑलमोस्ट 5000 साल पहले, एक्चुअल एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, एक अंदाजा, बाबुल इराक की सिविलाइजेशन का वो इलाका जिसे आज भी दुनिया मानती है, बाबुल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में सेकेंड नंबर का हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बाबुल, दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता इलाका था, बहुत बड़ी एक सल्तनत थी और उसके मुख्तलिफ फिर छोटे छोटे सिटीज थे। अब आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान में सिटी का कंसेप्ट अलग है और वेस्ट में अलग है। शायद वेस्ट के एतबार से मैं अटलांटा सिटी में नहीं बैठा हूं, इसका कोई और नाम होगा, लेकिन बाबुल एक सिटी था, गाजरिया उसी में, नैनवा उसी में, अलग अलग सिटीज थी और उसमें एक सिटी का नाम था उर, अंग्रेजी में यू आर, और यहां पर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ, यह कुरान करीम ने बहुत ही अहम मूसा के वाकयात रिपीट किए लेकिन मैसेजेस हजरत इब्राहिम के हवाले से दिए, वत्तबिउ मिल्लता इब्राहिम हनीफा। यह बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उर रखा गया। अच्छा, अब यहां पर एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं कि बात हिस्टोरियन ने लिखा कि बाबुल में शिर्क बुतपरस्ती, इब्राहिम दुनिया का पहला प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है जिसने बुतशिकनी की है, बुतों को तोड़ा, लेकिन हर दौर में एक अल्लाह के मानने वाले रहे जरूर, चाहे उनकी तादाद बहुत कम हो जाए। बाबुल की पुरानी जबान में ये बात हिस्टोरियन लिखते हैं, इबादत खाने को कहते हैं कर्म, जैसे हमारे यहां मस्जिद है या इमामबाड़ा है या मंदिर है या चर्च है, उस जमाने में कर्म, और फिर क्योंकि हर बुत के लिए अलग इबादत खाना बनाया जाता था तो वो उसके नाम से था, मसलन फॉर एग्जांपल कह रहा करबे लात, ये लात बुत का इबादत खाना, करबे मनात। अब अगर के बाबुल वालों के ये बुत नहीं थे लेकिन मशहूर हमारे यहां है तो इसलिए, और जो अल्लाह के मानने वाले एक अल्लाह के हजरत नूह के दीन पे बाकी बहुत छोटा सा ग्रुप है जहां पे वो इबादत करते थे इला, तो उसको कहते थे करबे इला, और यही लफ्ज यानी एक अल्लाह के मानने वालों की इबादत का, लात की इबादत मानने वालों की वो है, मनात की वो, करबे इला यही वो है जो फिर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ तो करबला कहलाए। करबला करबो भला से नहीं निकला है, करबे इला से निकला, वो सरजमीन जहां पे हमेशा तौहीद का तस्किरा रहा, जब पूरी दुनिया में बुत परस्ती फैल गई थी इस सरजमीन पे हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा रहा, कर्बे इलाहा।